Selukio. लाइफ में भी सेंटर में ही रखो मुझे। भाई सबसे पहले तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, ओ भाई साहब जरा इधर बात कर ले हम लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने ट्रेलर देखा भी? तो मेरा इंटरव्यू नहीं, मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? बोलिए जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया लगा। बस तो उत्कर्ष ठीक लगा? और नवाजुद्दीन एज इट इज। तो बस आज मेरा जीनियस का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मेरा नहीं है, सब आप लोगों का, पूरी पब्लिक की फिल्म है। तो पब्लिक का ही ट्रेलर, पब्लिक की फिल्म का ही ट्रेलर रिलीज हुआ है, जीनियस जिसका नाम है। और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है कि मैं सिंह साहब के बाद ये फिल्म लेके आ रहा हूँ। तो एज ए डायरेक्टर डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं मेरी अगली फिल्म की पेशकश पब्लिक तक कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मेरी पिछली फिल्मों को पब्लिक ने प्यार दिया है, इसको भी ऐसा ही प्यार देगी। और इस फिल्म में एक ख़ास बात है कि नवाजुद्दीन के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा कलाकार है, बड़ा ही मज़ा आया उसके साथ काम करने में। और उत्कर्ष ऑफकोर्स मेरा बेटा, गदर में छोटा बच्चा, जिसे सब आप लोगों ने देखा था जीते के रूप में, वो इसमें है। तो बस एक पिता के नाते तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक डायरेक्टर के नाते भी मैं पहली बार एक हीरो को लॉन्च कर रहा हूँ। हीरोइने बहुत लॉन्च की मैंने, प्रियंका चोपड़ा से लेके उर्वशी रावतेला तक, अमीषा पटेल, ये वो बहुत सारी लड़कियाँ, इत्तेफाक से ईश्वर ने मुझे मौका दिया। और इस बार इस फिल्म में इशिता चौहान है, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, अ यंग गर्ल, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। और भी कोई आपका सवाल है तो पूछ लीजिए। भाई बिल्कुल, बिकॉज नवाजुद्दीन का करेक्टर भी बहुत बड़े जीनियस का किरदार प्ले कर रहा है और उत्कर्ष भी एक बहुत बड़े जीनियस का किरदार प्ले कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्लैश है। जैसे कि इस फिल्म के गाने, तो इस फिल्म की यूएसपी है ही, तेरा फितूर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हिट हो गया है। लेकिन इसके अलावा इस फिल्म की जो एक बहुत बड़ी यूएसपी है, नवाज़ और उत्कर्ष के बीच के जो कन्फ्रंटेशन सीन है, अपार्ट फ्रॉम द रोमांटिक, इसका रोमांटिक पोर्शन भी आईआईटी में शूट हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। मगर इन सब के बावजूद द नवाज़ और उत्कर्ष के बीच के जो सीन है, कन्फ्रंटेशन सीन, वो बहुत मज़ेदार है। पब्लिक को बहुत मज़ा आएगा थिएटर में, दे विल एन्जॉय थॉरली इन सिनेमा। ये फिल्म जो है जीनियस, सिनेमा में देखने वाली फिल्म है। सिनेमा का एक प्लेजर है इसमें कि आप सिनेमा में देखते हैं तो बड़ी फिल्म देखना चाहते हैं, बड़े डायलॉग देखना चाहते हैं जिसमें तालियां बजा सकें, सीढ़ियां बजा सकें, वो सब कुछ है इस फिल्म में। देखिए ऐसा है, उस वक्त तो बच्चा था, 5 साल का, उसको कुछ मालूम ही नहीं था। वो मजबूरी थी मेरी, मुझे कोई बच्चा नहीं मिल रहा था, मैंने उसको लिया। मैं बहुत डरा भी हुआ था,
आज बिल्कुल डराया हुआ नहीं, उस वक्त बहुत डरा हुआ था कि बच्चा है काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया। और उस बच्चे की एक ही सबसे बड़ी बात थी, वो बच्चा 5 साल का था मगर उसको हमेशा ये रहता था कि मेरी वजह से कहीं पापा का नुकसान ना हो, क्योंकि नेगेटिव पे फिल्म शूट होती थी, मेरी वजह से कोई रीटेक ना हो, कोई पापा को ये ना बोले कि देखो बेटे को ले लिया है और क्यों लिया बेटे को। आजकल आप अपने बच्चे को लो तो ये बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि यार आपने अपने बच्चे को ले लिया, वो लायक नहीं था। तो वो बच्चा 5 साल की उम्र में ये सोचता था, बड़ी हैरानी की बात थी। उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई की उसने और हमेशा 90+ मार्क्स लाता था। फिर अमेरिका गया, अमेरिका उसको फिल्म लाइन में आना था, तो उसने कहा कि मैं बाकायदा पूरी पढ़ाई पूरी करूँगा। तो उसने 4 ईयर का डिग्री कोर्स किया अमेरिका में एलए में, और उसके बाद वो यहाँ आया। तो जब वो यहाँ आया तो पूरी तरह से रेडी था फिल्म में काम करने के लिए। मैंने उसको देखा, उसके सीन्स लिए, उसके साथ बहुत सारे सीन्स कराए अमेरिका में भी। इसने यूनिवर्सिटी टॉप की करके आया था अपने फिल्म कोर्स में। तो सब कुछ राइट जब मुझे लगा तो मैंने उसको लॉन्च किया एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर मैं बहुत स्पेसिफिक था कि मैं इसको लूना लूँ, लेकिन एज ए फादर डेफिनेटली मैं चाहता था मैं इसको लूँ। और एज ए फादर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि भाई मेरे बेटे की पहली फिल्म हो रही है, रिलीज़ हो रही है, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है आज। और एज ए डायरेक्टर भी आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मेरी खुद की फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। देखिए नवाज का करेक्टर ही बहुत बड़ा है इसमें। नवाज तो हमने लिया ही इसलिए कि नवाज हमें एक ऐसे किरदार की ज़रूरत थी जो कि बहुत बड़ा अच्छा एक्टर हो और इनके कन्फ्रंटेशन सीनों में मज़ा आ जाए। तो नवाज तो अपने आप में एसेट होता ही है हमेशा। मिथुन दा तो बस पुराने सुपरस्टार हैं, हर कोई इनको जानता है, हर किसी के दिल में रहते हैं दादा। तो दादा तो बहुत ही अच्छे हैं। दादा ने तो, जब मैं दादा का जश्न बताना चाहता हूँ, जब मैं दादा को साइन करने गया तो दादा ने मुझसे एक ही बात बोली कि अनिल इसमें पैसे वो जो तू देना चाहेगा, तेरे बेटे की फिल्म में मैं कुछ डिमांड नहीं करूँगा, वट एवर यू डिसाइड आई विल गिव यू, आई विल टेक। तो ये दादा का अच्छा जश्न था। तो दादा ने, दादा तो बढ़िया एक्टर है साहब, एंड आई लव हिम एज एन एक्टर। देखिए म्यूज़िक तो पिक्चर में अच्छा होता ही है, वीर हो, गदर हो, कोई भी पिक्चर हो, अपने हो, और हिमेश रेशमिया के बाद मैं अपने के बाद इस फिल्म में फिर से काम कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी, एंड ऑलरेडी गाने, सारे गाने सुपरहिट है। तेरा फितूर हो गया, अभी एक आतिफ के साथ गाना रिलीज़ हो रहा है दिल मेरी ना सुने 27 को, वो भी बड़ा हिट गाना है। एंड जुबिन के साथ गाना है एक होली का, वो भी कमाल गाना है। तो सारे गाने ही अच्छे हैं, और आई होप दिस एल्बम एवरीबडी विल लव इट एंड लाइक इट। एनी मोर क्वेश्चन, एनी थिंग? जी देशभक्ति भी है, प्यार भी है, एक्शन भी है, पूरी एक ऐसी फिल्म है जिसको कि सिनेमा में देखने में मज़ा आएगा। ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है, रोमांस है, म्यूज़िक है। मैं हमेशा एक ऐसी फिल्म बनाना पसंद करता हूँ, आप कोई इसे अच्छा समझे। हो सकता है कुछ क्रिटिक्स को ये बुरा लगता हो कि यार अनिल शर्मा जी बड़ी कॉमर्शियल फिल्में बनाते हैं, अब लगेता हो तो लगे बुरा, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी पब्लिक के लिए फिल्म बनाता हूँ, और मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कि 3 घंटे लोगों का मनोरंजन करे, उनको एक्साइट करे, उनको रोमांस में भी उनको मज़ा आए, म्यूज़िक में भी उनको मज़ा आए, एक्शन में भी मज़ा आए, डायलॉग में भी मज़ा आए। तो ये भरपूर फुल ट्रीट है। जीनियस इज़ अ फुल ट्रीट फॉर अ ऑडियंस इन सिनेमा हॉल। जी बहुत मुश्किल था, मैंने एक बहुत बड़ी वेबसाइट लॉन्च की थी, उस वेबसाइट पे हज़ारों लड़कियाँ आईं और सब अच्छी थी अपने अपने हिसाब से, लेकिन मेरे को सूट भी होनी चाहिए थी फिल्म के किरदार के हिसाब से। तो फाइनली इशिता पूना की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे परिवार की लड़की है। फाइनली जब ये मुझे मिली तो मुझे लगा इसका इनोसेंस चेहरा, एकदम ऐसी आम घर की बच्ची जैसी होती है वैसी थी। तो बस हमने कास्ट कर लिया इसको। एकदम इनोसेंट बच्चे जैसी लड़की की ज़रूरत थी। उत्कर्ष खुद 22-23 साल का था जब मैं पिक्चर शुरू कर रहा था, तो मुझे 18 साल की लड़की चाहिए थी। तो वो बिल्कुल एकदम इनोसेंट लड़की जो कि मॉडल जैसी बिल्कुल ना हो, घर परिवार जैसी हो, जैसे परिवारों में बच्चियां होती है ऐसी। म्यूजिक के अलावा इसके डायलॉग भी बहुत बढ़िया है। हाँ डायलॉग तो देखिए, जैसे मेरे गदर में डायलॉग थे, हुकूमत में डायलॉग थे, तो इस फिल्म में भी
डायलॉगों का स्कोप था, जैसे हुकूमत में धर्मेंद्र और सदाशिव अमरापुरकर का एक कॉन्फ्रंटेशन सीन्स होते थे, पब्लिक को मज़ा आता था, ऐसे ही इसमें भी गदर में भी थे, ऐसे ही इसमें भी काफ़ी कन्फ्रंटेशन सीन्स हैं। जब कन्फ्रंटेशन सीन्स होते हैं तो डायलॉग का मज़ा आता है, डायलॉग रियलिटी में आ जाते हैं, तो डायलॉग बहुत अच्छे हैं। और अभी जैसे ट्रेलर का ये डायलॉग ऑलरेडी काफ़ी हिट हो गया है, आज ही लॉन्च हुआ और आज ही इतना नेट पे चल रहा है कि दिल से मैं खेलता नहीं और दिमाग से मैं खेलने देता नहीं। तो अपने आप में सारे डायलॉग, नवाज़ के डायलॉग तो एक से एक ज़बरदस्त हैं। हाँ अच्छी, तो सब बहुत बढ़िया है। दीपक जी आइए सर, ये हमारे बॉस हैं, आइए सर। इनके पर्चे की वैसे ज़रूरत नहीं, जो यंग कंपनी सोहम रॉक स्टार जो भी बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं और बहुत सारा इंडस्ट्री को को ये रूल ही करने वाले हैं कुछ दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। रूल तो हम कहा क्या करेंगे सर। जीनियस बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और एंटरटेनिंग है, और जीनियस वर्ड से आप खुद समझ जाइए कि जीनियस मतलब बेसिकली दिल की लड़ाई दिमाग से जो है, और फुल एंटरटेनिंग है, म्यूजिक है, एक्शन है। अनिल जी का जो जो हमेशा पिक्चरों में रहता है वो इसमें पूरा है, एंड वी आर होपिंग जो जी से जो गदर आई थी और जी से जो जीनियस बन रही है, शायद ऊपर वाला ऐसा ही कुछ कर दे। चलिए बस बहुत बहुत बढ़िया है। दीपक जी ने बहुत दिल खोल के पिक्चर प्रोड्यूस की है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। एनी मोर क्वेश्चन, एनी थिंग? थैंक यू, थैंक यू। Good luck. Well, it's a dream come true for me that meri pehli film ka pehla trailer out hua and people are liking it, people are loving it. मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया कि मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ एंड पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर लविंग इट, एंड आई रियली 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 आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन इन द कास्ट एंड क्रू हू हेल्प दिस ड्रीम कम ट्रू। Well, I'm only human, so I am nervous. I wouldn't deny that. But I'm also very excited because of all the things that Dad has taught me and all these experienced people who I've worked with have taught me. And I want to see how the audience reacts to it, and they've reacted positively to the trailer, and I hope they will do the same with the film. See, Nawaz sir is a legend for a reason. He is so into his character at all times on set that it is a pleasure just watching him work. To get an opportunity to work with such a fantastic actor in my debut is truly something I would have never imagined, to work with Nawaz sir, Mithun sir, and the scenes with him were so, like, there was a different kind of energy just flowing through my body when we were doing these scenes, and it's just been a pleasure working with you. Thank you. जी, नवाज़ सर के साथ जब पता लगा कि आज नवाज़ सर के साथ शूटिंग है, पहला शॉट है, तो एक मन में एक हलचल सी तो थी कि भाई कैसा होगा, क्या क्या होगा सामने, वो क्या वो बहुत बड़े लेवल के एक्टर हैं मेरे लिए, तो कहीं मैं ऑस्ट्रक ही तो नहीं रह जाऊँगा कि भाई नवाज़ सर परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपनी लाइनें तो नहीं भूल जाऊँ। बट क्या होता है जब आप एज एन एक्टर काम कर रहे होते हैं, आप भी अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं ये चीज़ें, एंड नवाज़ सर जब आपके सामने आते हैं वो एज नवाज़ सर नहीं आते, वो एज कैरेक्टर आते हैं। तो आपने जो स्क्रिप्ट में वो कैरेक्टर पढ़ा था वो आपके सामने है, आपको कोई इमेजिन नहीं करना पड़ता, कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, आपको बस उनकी एनर्जी यूज़ करके उनके अगेंस्ट रिएक्ट करना है, बस
काम आसान कर देते हैं उल्टा एक्सपीरियंस एक्टर्स. आई थिंक द सेम थिंग, मतलब मैंने भी बहुत कम काम किया उनके साथ, बट द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. एंड ऐसे कभी लगा नहीं कि ओ माई गॉड हम लोग इतने बड़े स्टार से काम कर इनके साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज सो डाउन टू अर्थ एंड सो हेल्पफुल. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Working with Utkarsh, honestly, I'm saying I'm really lucky to have such a great coach. That is my first film, and he's like very cooperative and very understanding. I think he has helped me a lot throughout the movie. And हम लोग like बीच बीच में बातें भी करते थे कि ये कैसे करना है. So the chemistry like developed like that. My experience working with her was also mind blowing, because she's so beautiful and तो romantic scenes में तो कोई problem ही नहीं होती है. Well, working with my dad, I've assisted him in Veer, and I've basically बचपन से गदर में उनके साथ काम किया, तो I know he's a task master. वो गदर में मुझे 48 hours बिना नींद के काम करा चुके हैं, तो मुझे तो पता था इसमें कम से कम 72 घंटे तो बिना नींद के काम कराएंगे, तो वो भी हुआ. And but I'm so glad that I got this opportunity to work with Dad, because he is such a experienced and such a veteran of his craft that ऐसे directors के साथ काम करना एक सपना ही हो सकता है, जो मेरे लिए सच हुआ है. And I'm very very thankful to God. Yeah. कोई भी इंडियन फिल्म का दिल उसका म्यूज़िक ही होता है. अगर म्यूज़िक अच्छा हो तो सबकी दिलों की धड़कनें और बढ़ जाती हैं फिल्म. एंड वी हैड हिमेश सर कंपोजिंग फॉर दिस मूवी, एंड वी गॉट सम फैंटास्टिक सिंगर्स, अरिजीत सर, जुबीन सर, आतिफ सर, इतने सारे, नीति मोहन जी, इतने सारे एक्सपीरियंस सिंगर्स हमारी फिल्म में गाना गा रहे हैं कि I don't know, I have no words. The album is so wonderful and Tera Fitoor, people loved it, and I'm just glad, thankful, and all the superlatives that I'm out of that I can't say here. Ishita, when you came from about acting presenting the banner of the production, how was your reaction and what you felt? First of all, I'm really like honored to work with a director like Anil Sharma ji, and I was really happy because you never get a chance. Like getting an entry in Bollywood is really difficult, and I got a chance to this film, and I guess the rest of the things, like all my performance and everyone, like will just see in the movies. So yeah, I'm just happy overall. जी जब पापा की मूवी है तो पता ही एक्शन होगा और धमाकेदार होगा, तो उसके लिए तो तैयारी काफ़ी की मैंने. अब्बास अली मुगल सर हमारे एक्शन डायरेक्टर थे, तो उनके साथ मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की, एंड कई हमारे जो कोरियोग्राफी थी वो काफ़ी पहले ही फिक्स हो गई थी बिफोर वी वेंट ऑन शूट. तो काफ़ी हद तक हम प्रेपरेशन करके ही गए थे. ऐसा कई चीज़ें ऑन द स्पॉट भी आ जाती हैं, तो उसके लिए तो आपको रेडी रहना ही पड़ता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए. सिंस दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, तो आई हैड टू वर्क ऑन गेटिंग इन टू माई कैरेक्टर, एंड अनिल सर हेल्प मी अ लॉट. लाइक वी हैड डन लाइक रिगरस वर्कशॉप बिफोर द मूवी, वी हैड टू डू लॉट ऑफ रिहर्सल, एंड of course Utkarsh also helped me a lot in, you know, picking up the scenes and the character and everything. So it was challenging, but I enjoyed it. You're so kind. Yeah. Was it your ambition to commit to movies? Yes, it has been my ambition, because I've been like acting since I was 4 years old. So yeah, not in movies, I've done advertisements, but I've also done movies as a child. When you are facing a camera, yes, you are facing your dad or your director? Director, always director, because when dad is on set, for him I'm just an actor. When I'm on set, for me he's my director, my guru. That's it. And we
like we don't behave like father and son there. We are completely just talking about whatever creatively we can add to the character, what we can take out, and what we can add to the scene and all of that. It's just work. See, my favorite actor ever in Bollywood is Yusuf Khan sir, Dilip Kumar sir. Actress? Yeah. Actress ever, yeah. Nargis Dutt. There is no one, that level of talent is not available in the world. So about Nargis Dutt and Yes, 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 I've seen, but usme to Manisha ji kar rahi thi na. Yeah, yeah. Like, he's a playing a character. Ji, ji. My favorite actor is Ranbir Kapoor, like Ranbir Kapoor, and my favorite actress is Deepika Padukone. And someone just asked me which my favorite love story is Barfi, because after all it's Ranbir Kapoor. Yeah. So yeah, I love this performance in that. So yeah. Thank you. Done, right? Thank you. Done? Done? Thank you. Thank you. Thank you.